हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम आपके लिए बैंगलोर के कुछ टॉप कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जहां से आप पीजीडीएम या फिर एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। सभी कॉलेजेस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके सभी कॉलेजेस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स। सब्सक्राइब विद्या डॉट इन। टॉप एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर में आप सबसे पहले आई एम बैंगलोर को चेक कर सकते हैं। 1973 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां से आप पीजीडीएम कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 23 लाख की है। यहां पर एडमिशन आपका कैट स्कोर के बेसिस पर ही होता है। अगर आपकी कैट परसेंटाइल 85-90% के बीच में, तो यहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। यहां का प्लेसमेंट 100% होता है। यहां का हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 80 लाख और यहां का एवरेज प्लेसमेंट अप्रॉक्स 25 लाख का है। टॉप एमबीए कॉलेजेस इन बैंगलोर में नेक्स्ट आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर को चेक कर सकते हैं। यूजीसी अप्रूव्ड है, डीम टू यूनिवर्सिटी है, नैक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, 1969 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां से आप एमबीए फाइनेंस, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म, एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 3,80,000 पर एनम की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ मैट, कैट, सी मैट, जैट में एक अच्छी रैंक भी होनी चाहिए। यहां से अगर आप एमबीए प्रोग्राम करते हैं, तो आपको अप्रॉक्स 8-9 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट आप सिंबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बैंगलोर को चेक कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, नैक ए ग्रेड इंस्टीट्यूट है, 2008 का एस्टैब्लिशमेंट है और यहां की एमबीए कोर्स की फीस अप्रॉक्स 8,25,000 पर एनम की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ सिंबायोसिस इंस्टीट्यूट अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसमें भी आपको एक अच्छी रैंक लानी होती है। यहां से अगर आप एमबीए कर लेते हैं, तो आपको अप्रॉक्स 9-10 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, 1991 का एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एआईसीटी अप्रूव्ड है। यहां पर भी एडमिशन आपको कैट या फिर जैट में एक अच्छे स्कोर पर मिलता है। यहां पर एडमिशन के लिए आपका कैट स्कोर अप्रॉक्स 70-75% के बीच का होना चाहिए और यहां की फीस अप्रॉक्स 12 लाख की है। अगर आप यहां से एमबीए कर लेते हैं, तो आपको अप्रॉक्स 9-10 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। आप अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर को भी एमबीए के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजीसी अप्रूव्ड 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहां से आप फिनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए कर सकते हैं। यहां की कंप्लीट कोर्स की फीस अप्रॉक्स 14 लाख की है। यहां पर भी एडमिशन के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ कैट, मैट, जैट में एक अच्छा स्कोर भी होना चाहिए। अलायंस यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, आप उसमें भी एक अच्छी रैंक लाके यहां से एमबीए कर सकते हैं। एम्स इंस्टीट्यूट बैंगलोर को भी आप एमबीए कोर्स के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। एआईसीटी अप्रूव्ड है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, नैक ए ग्रेड कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 1994 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां की एमबीए कोर्स की फीस, कंप्लीट फीस अप्रॉक्स 9 लाख की है। यहां पर भी एडमिशन के लिए आपका कैट, मैट, जैट में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स भी होने चाहिए। यहां से एमबीए करने के बाद आपको अप्रॉक्स 6-8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। टॉप एमबीए कॉलेजेस इन बैंगलोर में आप नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2008 का एस्टैब्लिशमेंट है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और यहां के एमबीए कोर्स की कंप्लीट फीस 9 लाख है। यहां पर भी आपको एडमिशन ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ मैट या कैट में एक अच्छे स्कोर के बेसिस पे मिल सकता है। इसके साथ साथ अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, अगर आप उसमें अच्छी रैंक ले आते हैं, तो भी आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहां से एमबीए कोर्स कर लेते हैं, तो आपको बायजूस, बिग बास्केट, इंफोसिस, एचएसबीसी, डेल, केपीएमजी, ओरेकल, फर्स्ट सोर्स जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है। नरसी मोंजी का हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 18 लाख और यहां का एवरेज प्लेसमेंट अप्रॉक्स 9-10 लाख पर एनम का है। आप सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एमबीए कोर्स के लिए। 1968 का एस्टैब्लिशमेंट है, हार्ट ऑफ द सिटी, एमजी रोड पर सिचुएटेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और एमएचआरडी ने भी इसको
टॉप 100 बिजनेस स्कूल की लिस्ट में रखा है। आप यहां से HRM, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन के साथ MBA कर सकते हैं। यहां पर MBA के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ CAT या फिर MAT या फिर ZAT में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। यहां की भी MBA की कंप्लीट कोर्स की फीस अप्रॉक्स 9 लाख की है। यहां से MBA करने के बाद आपको अप्रॉक्स 8 to 9 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। टॉप MBA कॉलेजेस इन बैंगलोर में आप PES यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1972 का एस्टैब्लिशमेंट है, NAC अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है। यहां से आप मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स में स्पेशलाइजेशन के साथ MBA कर सकते हैं और यहां की फीस अप्रॉक्स 5 लाख पर एनम की है। यहां का हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 49 लाख का है। यहां पर भी एडमिशन के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ CAT, MAT में एक अच्छा स्कोर भी होना चाहिए। अगर आप यहां से MBA कोर्स कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 6 to 7 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट आप जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1950 का एस्टैब्लिशमेंट है, NAC A++ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड है और यहां की MBA कोर्स की कंप्लीट फीस अप्रॉक्स 10 लाख की है। यहां से भी आप मार्केटिंग, एविएशन, बैंकिंग, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, HR में स्पेशलाइजेशन के साथ MBA कर सकते हैं। यहां पर भी एडमिशन के लिए आपका MAT या फिर CAT में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। उसके साथ साथ जैन यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस भी कंडक्ट करते हैं, अगर आप उसमें भी रैंक ले आते हैं तो भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां से भी MBA कोर्स करने के बाद आपको अप्रॉक्स 7 to 9 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको बैंगलोर के MBA कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेके आए। और अगर आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।